दोस्तों, ब्रह्मांड अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए हैं। लगातार खगोल विज्ञान में हो रही खोजों ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इतने वर्ष बाद भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अद्भुत खगोलीय घटनाएं जैसे ब्लैक होल उतने ही अनसुलझे और रहस्यमय हैं जितने पहले थे। दोस्तों, ब्रह्मांड का पर्यायवाची शब्द है अनंत, अर्थात ब्रह्मांड का कोई अंत ही नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं ब्रह्मांड की सैर पर और जानने की कोशिश करेंगे ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों के बारे में। हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका रहस्य टीवी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों और उसकी उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड के अंत के बारे में। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग यानी महाविस्फोट से हुई थी। 1929 में एडविन हबल ने पाया कि अंतरिक्ष में आकाशगंगाएं और ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला कि एक समय ऐसा रहा होगा जब ये सभी बहुत पास रहे होंगे और एक समय ऐसा भी रहा होगा जब ये सभी आकाशगंगाएं, ग्रह और पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। दोस्तों, यहीं से बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत होती है। इतिहास में किसी समय शायद 10 से 15 अरब साल पूर्व ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से बहुत पास रहे होंगे। वे इतने पास पास थे कि वे एक ही जगह पर थे, एक ही बिंदु पर। यह बिंदु अत्यंत छोटा था और इसका घनत्व बहुत अधिक था। ब्रह्मांड का यह बिंदु बहुत अधिक घनत्व होने के कारण अत्यधिक गर्म था, जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम ही नहीं करता था। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां समय कोई मायने नहीं रखता था। फिर किसी कारणवश एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। दूसरा, ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं? चलिए दोस्तों, हम ब्रह्मांड के सैर की शुरुआत करते हैं अपनी पृथ्वी से। अंतरिक्ष की गहराइयों में मौजूद है एक नीला हरा गेंद, जहां जीवन का अस्तित्व मौजूद है। पृथ्वी से बाहर हमारा सौरमंडल मौजूद है, जिसका मुखिया है सूर्य, जिसकी सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, सौरमंडल के बाहर एक मोहल्ला मौजूद है, जहां सूर्य की तरह ही अन्य तारे मौजूद हैं। हमारे सबसे समीप का तारा है अल्फा सेंचुरी। यहां अन्य तारे जैसे सिरियस, अल्टेयर और वेगा मौजूद हैं। दोस्तों, फिर आती है हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे का नाम दिया गया है। हमारी पृथ्वी या कहें सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के एक बाहरी भाग में मौजूद हैं। फिर दोस्तों, आता है आकाशगंगाओं का समूह, जिसमें एक से ज़्यादा आकाशगंगाएं मौजूद होती हैं। हमारी आकाशगंगा के समूह में मौजूद हैं एंड्रोमीडा और मैगलेन बादल तथा अन्य कई आकाशगंगाएं। फिर दोस्तों, आता है वीरगो सुपर क्लस्टर, जो आकाशगंगाओं का एक छोटा समूह होता है। आकाशगंगाओं के एक बड़े समूह को लोकल सुपर क्लस्टर्स कहा जाता है। फिर दोस्तों, आता है हमारा ब्रह्मांड, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड अनंत है, जिसे हम सीमाओं में बांध नहीं सकते। तीसरा, ब्रह्मांड की रहस्यमयी संरचनाएं।
वैसे तो दोस्तों हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर मानव द्वारा खोजे जा चुके ब्रह्मांड में ऐसी कई रहस्यमय संरचनाएं मिली हैं जिसने मानव को हैरान कर दिया है, और मानव आज भी इसके बारे में पूरी तरह जान पाने में असमर्थ हैं, जैसे ब्लैक होल और ग्रेट ओरियन मॉलिकुलर क्लाउड कॉम्प्लेक्स यानी ब्रह्मांडीय जलप्रपात। दोस्तों ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह होती है जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। दोस्तों ब्लैक होल का निर्माण एक मर चुके तारे से होता है जिसके अंदर कोई ऊर्जा मौजूद नहीं होती है। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इसके पार नहीं जा पाता है। समय का नियम भी ब्लैक होल के अंदर काम नहीं करता। दोस्तों ब्लैक होल के बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में संक्षिप्त रूप से चर्चा की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी संरचना है ब्रह्मांडीय जलप्रपात। ब्रह्मांडीय जलप्रपात गैस की एक धारा होती है जिसका निर्माण मॉलिकुलर क्लाउड और एक नए तारे के जन्म के बाद निकले सौर वायु से होता है। इनकी लंबाई 10 प्रकाश वर्ष से भी अधिक हो सकती है। चौथा, ब्रह्मांड के बाहर क्या है? दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है। वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया है कि बिग बैंग के बाद से ही लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ब्रह्मांड का विस्तार किसमें हो रहा है। दोस्तों अगर आप यह प्रश्न किसी भी खगोल शास्त्री से करेंगे तो आपको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों तो हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न का सबसे छोटा उत्तर यही होगा कि ब्रह्मांड का किसी में विस्तार हो ही नहीं रहा, बल्कि केवल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड की परिभाषा यही है कि यह सब कुछ समेटे हुए हैं। ब्रह्मांड के बाहर जो कुछ भी है वह भी ब्रह्मांड का ही भाग है, और उसके बाहर वह भी ब्रह्मांड का ही भाग है, और उसके बाहर वह भी ब्रह्मांड का ही भाग है। दोस्तों आप प्रश्न करते जाइए, आपको उत्तर ब्रह्मांड ही मिलेगा। दोस्तों आपके लिए यह एक संतोषजनक उत्तर नहीं होगा, पर दोस्तों चलिए एक बार इसके स्पष्टीकरण की ओर देखते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आपका उत्तर होगा इन्फिनिटी या अनंत। चलिए अगर मैं आपसे एक और प्रश्न करूं कि इन्फिनिटी या अनंत में एक जोड़ने पर उत्तर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा अनंत। क्योंकि दोस्तों इन्फिनिटी या अनंत से बड़ी संख्या कोई होती ही नहीं है। आप अनंत में जो कुछ भी मिलाएंगे वह भी अनंत का ही भाग बन जाएगी। दोस्तों इसी तरह ब्रह्मांड भी अनंत है, और ब्रह्मांड के बाहर जो कुछ भी है वह भी ब्रह्मांड का ही भाग है। पांचवा, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बजाय उसके अंत पर चर्चा करना ज्यादा अच्छा लगता है। तभी तो ब्रह्मांड के अंत को लेकर दी गई थ्योरीज ब्रह्मांड के जन्म को लेकर दी गई थ्योरी से अधिक है। वर्तमान में ब्रह्मांड के अंत को लेकर मुख्य रूप से चार संभावनाएं जताई जाती हैं। पहला, बिग स्लर्प। बिग स्लर्प एक नई संभावना है जो हिग्स बोसान पर निर्भर करती है। इसके अनुसार हिग्स बोसान का द्रव्यमान जब एक विशेष मूल्य पर होने की अवस्था में हमारा ब्रह्मांड अस्थिर हो जाएगा, और तब एक नए ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी जो धीरे धीरे पुराने ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। दूसरा, बिग क्रंच। इस संभावना के अनुसार हो सकता है कि ब्रह्मांड अनंत तक फैलने के बाद फिर से अपनी पुरानी अवस्था यानी बिग बैंग बिंदु में वापस सिकुड़ जाए। तीसरा, द बिग फ्रीज।
इस संभावना के अनुसार जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होगा, सभी आकाशगंगाएं, तारे और पिंड एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, जिसके कारण नए तारे के जन्म के लिए कच्चा माल और गैसें मौजूद नहीं रहेगी, जिसके कारण नए तारे का जन्म नहीं होगा। मौजूदा तारों के एक दूसरे से बहुत दूर चले जाने के कारण ऊर्जा का वितरण एक बड़े क्षेत्र में होगा, जिससे ब्रह्मांड का तापमान कम हो जाएगा और ब्रह्मांड धीरे धीरे एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति में पहुंच जाएगा, और इस तापमान पर पहुंच जाने के कारण समस्त गतिविधियां थम जाएगी। चौथा, बिग रिप। यह एक भयानक स्थिति है। इस संभावना के अनुसार डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को उस समय तक गति प्रदान करती रहेगी जब तक हर एक एटम टूटकर बिखर नहीं जाता। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता जाएगा, डार्क एनर्जी बढ़ती जाएगी और विस्तार होने की गति भी बढ़ती जाएगी। फिर आकाशगंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब यह एनर्जी आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों को चीरफाड़ कर नष्ट कर देगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बने रिंग आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आप हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सीधे अपने तक पा सकें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मैं अपने नए वीडियो में भी देखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।